चलिए आज कुछ हेल्दी बनाते हैं। तो आज मैंने यहाँ पर मूंग और काले चने को अंकुरित करके रखा है, जिसे स्प्राउट भी कहते हैं। और आप सभी जानते हैं ये कितना हेल्दी है, सुपर फूड भी कहते हैं इसे, सबसे हेल्दी। और अगर नाश्ते में इसका इस्तेमाल हो सबसे पहले तो क्या कहने। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे 1/4 कप काला चना होता है वो लिया है, और आधा कप यहाँ पे ली है हरी मूंग, साबुत मूंग जिसे कहते हैं। और दोनों ही चीज़ें बहुत ही हेल्दी हैं और इतने इसके फायदे होते हैं। प्रोटीन से भरा होता है, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फाइबर, कैल्शियम, और आंखों के लिए बहुत अच्छा, बालों के लिए बहुत अच्छा। तो शुरुआत करते हैं। गुण तो इसमें बहुत हैं, जितने बताऊँगी उतने कम हैं। तो इसको स्प्राउट बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ये फूड लेना है, और इसको मैं अभी एक टाइम का आपको बता रही हूँ। तो एक टाइम हमने ये जो खाना है, ये मैंने दो चीज़ें लिए हैं, और इसको आप धो लें, साफ़ कर लें, और ओवरनाइट रात को इसे भिगो दें। मैंने इसको रात को भिगो दिया था, और ये देखिए सुबह मैंने इसे उठाया तो आप देख रहे हैं चने भी फूले हुए हैं, जो हरी मूंग है साबुत वाली वो भी फूली हुई है, कितने अच्छे फूल के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारा ये आधा काम हो गया है, लेकिन इसका आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने एक और बाउल लिया है, उसके ऊपर इस तरीके से हमने कोई कपड़ा लेना है, कोई किचन टावल लेके उसको इस तरीके से हमें कपड़े के अंदर हमें डाल लेना है, और इसको अच्छे से डाल के हमें इसको और एक रात के लिए या एक दिन के लिए 8 से 10 घंटे या 10 से 12 घंटे हमें इसे छोड़ना होगा। उसके लिए इसे कपड़े में, किचन टावल में इस तरीके से अच्छे से लपेट लेना है कस के, और ये जो पानी है इसे आप पौधों में डाल दें। ऐसे रख देना है बाउल में और इसको ढक देना है। ढक के इसे 10 से 12 घंटे के लिए हमें इसे छोड़ देना है, ताकि इसके अच्छे से जो अंकुरित हो जाता है, जो स्प्राउट्स निकलाते हैं, इसकी जो पूंछे सी निकल आती है ना, यही स्प्राउट्स होते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे बनके तैयार हुए हैं। तो मैंने ये काफ़ी सारे स्टोर करके रखे हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। 4 से 5 दिन के लिए मैंने ये इतने सारे बना के रखे हैं। देखिए कितने अच्छे से पूरा दिन और पूरी रात 24 घंटे में इतने अच्छे स्प्राउट्स हमारे तैयार हो गए हैं। तो आपको ये 2 दिन पहले प्रोसेस करना होगा, भिगो के रखना है रात को, सुबह उसको कपड़े में लपेट के इस तरीके से पूरा दिन रख के फिर ये स्प्राउट्स तैयार होंगे अच्छे से। तो यहाँ मैंने 3-4 दिन का जो स्प्राउट है बना के तैयार कर लिया है। मैं इसी तरीके से रखती हूँ क्योंकि डेली यूज़ होता है ब्रेकफास्ट में ये, तो इसको स्टोर करके फ्रिज में आप कंटेनर में भर के रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ साबुत मूँग और चना लिया है, आप इसमें मोठ की दाल भी डाल सकते हैं, उसको भी साथ में ही बराबर उसी क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। इस तरीके से आप 2 से 3 चम्मच ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, कच्चे को भी कच्चा खाना है, नहीं तो आप इस तरीके से बॉयल कर लें। जैसे मैंने कुकर में इसको नमक डाल के, थोड़ा सा नमक डाल लिया और इसे बॉयल कर लिया। इस तरीके से आप सिंपल तरीके से भी खा सकते हैं, डेली खाना है तो बहुत अच्छा ये लगता है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। हमारे डेली बनता है ब्रेकफास्ट में ये, तो आप इस तरीके से ज़रूर खाएं। सुबह का पहला नाश्ता ब्रेकफास्ट इससे हो जाए तो सारा दिन स्फूर्ति बनी रहती है, एनर्जी रहती है, क्योंकि बहुत हेल्दी होती है ये। और इसके साथ ही हमें इसमें डाल लेना है थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी यहाँ पर मैं डालूँगी काली मिर्च। आप इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे भीगे हुए बादाम, और इसके साथ ही थोड़े से टुकड़े पनीर के कटे हुए, साथ में खीरा हो, टमाटर हो, अनार के दाने हो, तो जैसे चाहे आप इसे और भी हेल्दी से बना सकते हैं। तो मेरा ब्रेकफास्ट तैयार है, मैं तो चली खाने, और आप इस तरीके से ज़रूर तैयार करें। वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।